कोरोना हो गया है और पूरी कंट्री में लॉकडाउन, अब इससे बुरा क्या हो सकता है? हो सकता है। ₹2020 के भी 5 ही महीने हुए और इन 5 महीनों में हमें पता लग गया कि इंसान नेचर के आगे कितना छोटा है। कोरोना वायरस ने पहले फाइनेंशियली सबको तोड़ दिया था, बट शायद नेचर को इतना ही मंजूर नहीं था। अब ईस्टर्न साइड को ही देख लो, वहाँ पे साइक्लोन अम्फन ने पूरी डिस्ट्रक्शन मचा दी है और इससे सबसे ज़्यादा जो एरियाज इफेक्ट हुए वो है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। इसके अलावा इस साइक्लोन से असम में लगातार बारिश हो रही है जिससे वहाँ पे फ्लड आ रहे हैं और फ्लड में लोगों के घर, फसल वगैरह सब बह चुके हैं। मगर असम की मुश्किलें यहीं ख़त्म नहीं होती, हर साल जून जुलाई में वहाँ पे एक फ्लड का सीज़न होता है, तो अभी 1-2 महीने में वहाँ पे दोबारा फ्लड का सीज़न आने वाला है। और ये सब उस समय पे हो रहा है जब वहाँ पे कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बात करें कोरोना के केसेस की तो इंडिया में भी कोरोना के केसेस 1.5 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। और ऐसे में अगर आप सोच रहे कि आप कंट्री के एक सेफर साइड में हैं जहाँ पे ये नेचुरल हजार्ड्स नहीं है, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से टिड्डों के झुंड लाखों करोड़ों की संख्या में इंडिया में एंटर कर चुके हैं। और टिड्डों का ये अटैक पिछले 27 साल में होने वाले अटैक में सबसे बड़ा अटैक है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इससे हमें क्या खतरा है, तो मैं आपको बता दूं, टिड्डों के ये झुंड रास्ते में आने वाली सारी फसलों को घंटों में चट कर सकते हैं। ये बीज, पत्ते और पूरे पौधे खा जाते हैं। और इतना ही नहीं, टिड्डों का ये झुंड जब कहीं खेतों पर उतरता है तो फसलें इनके वजन से ही दब जाती है। टिड्डों का एक झुंड एक दिन में लगभग 10 हाथियों के बराबर खाना खा लेता है। और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो टिड्डों का झुंड ऑलरेडी मध्य प्रदेश तक एंटर कर चुका है, जो कि इंडिया के बीच में है। तो आप सोच सकते हैं कि इसका स्केल कितना बड़ा है। और इन सब के बीच आम आदमी बेरोजगारी से तो मर ही रहा है। ना इंसान बाहर जा सकता है, ना अंदर रह सकता है। घर पर रहेगा तो भी सर्वाइवल को खतरा है, बाहर जाएगा तो वायरस होने से भी सर्वाइवल को खतरा है। ऐसा लग रहा है कि नेचर ने क्लीन गंगा मिशन की तरह क्लीन अर्थ मिशन चला लिया है। कहते हैं कि इंसान दुनिया का सबसे ताकतवर जीव है, मगर हम ये भूल जाते हैं कि नेचर के आगे हम बहुत छोटे हैं।